स्वरों का जो लगाव है ये रियाज मांगता है। न कोई रास्ता है गगा मा पम गर सनी धा पम पमा गा गा नी रे नी धा पा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों, राग चारुकेशी बेस सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, दो संगीतमय जोड़ी कल्याण जी आनंद जी साहब एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, ये दो संगीतमय जोड़ी ने राग चारुकेशी का बहुत ही यादगार प्रयोग किया है हमारे रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो मैं कुछ गीतों का गुलदस्ता आज आपके समक्ष रखूंगा। ये जो गीत हैं ये आपके फेवरेट सॉन्ग हैं निश्चित रूप से, और जब भी कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के टॉप 10 सॉन्ग्स की बात होगी तो इन रचनाओं की बात होगी, एक ही राग में है। और ये जो गीत है बहुत ही सेंटिमेंटल है, आपके फेवरेट है। लेक्चर शेयर कर देना, पसंद आए तो इसको दोस्तों लाइक भी कीजिएगा। 1964 में मूवी आई थी दोस्ती, दोस्ती की मिसाल को स्थापित करके गई थी ये मूवी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये स्ट्रगलिंग टाइम था और रफ़ी साहब ने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सारे गीत दोस्ती मूवी के रिकॉर्ड किए थे। तो उसमें से जो गीत बहुत ही खूबसूरत राग चारुकेशी पर आधारित है। गीत बताने से पहले सिर्फ ब्रीफ आपको मैं लक्षण बताऊंगा चारुकेशी के, कि क्या इसका मोड है, क्या इसके लक्षण हैं दोस्तों। पैथोस की फीलिंग है इस राग में, मध्यमवादी है, संवादी षड्ज है इसका। और आप देखिए हमारे थाट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें सिर्फ ध और नी कोमल हो, ऐसा कोई भी थाट नहीं है कि जिसमें सिर्फ ध और नी कोमल हो। इस कारण से दक्षिण भारत संगीत पद्धति में जो वेंकट मुखी जी के 72 थाट चलते हैं उसमें ही कैटेगराइज होता है, तो दक्षिण भारत संगीत पद्धति का ये राग है। अब देखिए सारे गामा पधनी सानि ध प मागरे सा, ये इसके दोस्तों स्वर है संपूर्ण इसकी जाति है। रचना किस प्रकार से पिरोई गई है, मेरा तो जो भी कदम दोस्ती मूवी, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। ये जो शब्द रचना आप देख रहे हैं ये मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी साहब के हैं। आप इनका काम देखिए, चाहे तीसरी मंजिल में तुमने मुझे देखा देख लीजिए, या फिर आप दस्तक मूवी के सॉन्ग्स देखिए मायरी मैं कासे कहूँ, या फिर ये गीत दोस्ती मूवी के सॉन्ग्स सागा म प प प म प प प म म प म ग ग म ग रे सा, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। अब रचना कैसे ऊपर जाती है देखिए उत्तरांग प्रधान, के तू कहीं भी, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, सागा म प नी नी ध ध प म मामा मा मा गा गा मा गरे सा, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। कैरवा ताल का प्रयोग हुआ है दोस्तों। रचना की खूबसूरती देखिए आप, जब
अंतरे में कोमल ऋषभ और कोमल गंधार का प्रयोग होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, चारुकेशी में ऋषभ और गंधार को अगर कोमल कर दें तो शक्ल भैरवी की दिखती है। सारे गम पध पम गम रे सा, अब इसको उत्तरांग में बजाइए। सारे गे सने धरे गे सा, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। देख रहे हैं आप, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। ऋषभ और गंधार कोमल, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो होट जिनकी चाह में है। वापस चारुकेशी में रचना आ जाती है। रे रे सर सनी नी नी सनी धा 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 नी सनी धा पा पा धा मा पा मगा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी रहे तू मेरे निगाह में है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर ऋषभ गंधार कोमल हो गया तो भैरवी का जो प्रयोग है वो अंतरे में हुआ है। सा सा नी सा रे 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 सा रे 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 सा सा कर गरे सा सा। दूसरी चीज समझ लीजिए, सा रे ग म प ध नी सा नी रे सा नी ध प ध म प ध नी ध प। एक और राग निकलती है बसंत मुखारी, तो मिश्र बसंत मुखारी आप कह सकते हैं अंतरे में प्रयोग, या फिर भैरवी का शुद्ध रूप से आप देखिए प्रयोग हमें देखने को मिलता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इस रचना। सो आई होप आपको समझ आया। चारुकेशी से देखिए आसपास के राग। अब चारुकेशी में दोस्तों अगर मैं ऋषभ और निषाद को वर्जित कर दूं तो सागा मा पा धा सा धा पा मा पा धा पा मा गा सा धा सा। ये राग हो जाती है जिल्लफ, जो कि भैरव थाट का राग है। एक जिल्लफ राग है जो कि असावरी थाट से भी निकलता है। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प ग मा ग रे सा। ये जिल्लफ आ जाता है असावरी थाट। तो ये आसपास के रागों की नॉलेज भी आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रचना थी। देखिए कैरवा ताल का इसमें प्रयोग हुआ है, मैं सरल सा आपको पैटर्न बता रहा हूँ। वैसे ठेका अलग है कैरवा का, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस ठेके को। 1 2 3 4 मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी रहे तू मेरे सेकंड। हमारे जो कंपोजर्स कल्याण जी आनंद जी, ताल दादरा हो जाती है दोस्तों, लेकिन राग चारुकेशी है। मूवी की बात कर रहा हूँ राज, शमीम जयपुरी साहब की लिरिक्स है। बहुत ही कम काम किया है इन्होंने, लेकिन जितना भी किया है बहुत ही खूबसूरत काम किया है। तो 1967 में ये मूवी आई थी, तो इसमें भी रफ़ी साहब की अमर आवाज़ में ये गीत कंपोज किया गया है। अकेले है चले आओ जहाँ हो, ये मींड देखिए आप, जहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। गगा मा पमा ग
गा गा मा पा मा गा मा धा पा धा मा पा गा जहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। रचना की उत्तरांग प्रधानता। कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। सो सारी ने ध प ध ध प ध प म म ध प नि प म ग ग ग म प म ग ग ग म प म ग म ध प ध म प। तो गंधार और पंचम का बहुत बहुत है, जबकि थियरी कहती है कि मध्यम षडजवादी है। तो शास्त्रीय संगीत अगर आप ध्यान रखेंगे तो रचना गंधार और पंचम को ज़्यादा महत्व देती है, तो यहाँ से थोड़ा शास्त्र के साथ नरम होती है रचना। लेकिन जो भाव हैं पैथोस के, जो सेपरेशन का जो एलिमेंट है, वो बहुत ही खूबसूरती से कल्याण जी आनंद जी ने इसमें दिखाया। अब दादरा ताल का प्रयोग देखिए आप इसमें। प ध प म ग रे सा नी रे ग म प म ग म रे सा अकेले चले आओ जहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। प ध नि सा नि रे नि ध नि ध प ध म प ग म रे ग म प म ग म रे सा अकेले चले आओ जहाँ हो। अंतरा देखिए कितना खूबसूरती से प्योर चारुकेशी में प्रयोग किया गया। इससे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मिश्र चारुकेशी अंतरे में किया था, लेकिन अब देखिए मैंने चारुकेशी बेस्ड लेक्चर मेरा देखना मत भूलिएगा दोस्तों। चारुकेशी का सबसे ज़्यादा प्रयोग कल्याण जी आनंद जी ने किया है। जहाँ शिवरंजनी की बात करते हैं दोस्तों तो बात करते हैं हम शंकर जय किशन जी की। जहाँ खमाज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बर्मंस की। लेकिन चारुकेशी का सबसे बेस्ट प्रयोग देखिए आप। तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। धैवत की जो करुणता है और उसके साथ साथ पंचम और कोमल निषाद की जो ब्यूटी है। सा सा नी नी सा नी सा 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 नी ध प म प द प ध ध ध पे कोमल नी का जो लाग है। हमें दिल ढूंढता है नब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है। सो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। अब जो मैं उत्तरांग प्रधानता की बात कर रहा था, स्वरों का जो लगाव है ये रियाज मांगता है। न कोई रास्ता है ग ग म प म ग रे सा नि ध प म प म ग ग अकेले चले आओ जहाँ हो। तो ये रचना की खूबसूरती थी। तो इन दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, या फिर बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है, या फिर कल्याण जी आनंद जी अगेन। ये तो शंकर जय किशन जी थे, लेकिन किसी राह में किसी मोड़ पर
तो आई होप दोस्तों आपको ये गाने पसंद आए होंगे। आपके कौन से फेवरेट हैं ज़रूर कमेंट करना, और ये रिलेटेड लेक्चर्स के जो लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ज़रूर देखना। ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं एक राग को समझने के लिए, और इसी प्रकार के गीत मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी सिखाता हूँ, ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। चाहे वो रेट्रो सॉन्ग्स हों, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हों, संपूर्ण गाने की नोटेशन आपको मिलती है। एक ज़रा सा सैंपल आपके समक्ष मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर और डिटेल में संगीत को सीख सकते हैं और जी सकते हैं। सारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको अब मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव रफ़ी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब एंड कल्याण जी आनंद जी। ओम शांति।